इंदौर ने बाजी मार ली है। क्षमता के कंपोस्ट प्लांट पहले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इंदौर द क्लीनेस्ट सिटी स्वच्छ सर्वेक्षण 2021। सभी को नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं इंडिया के सबसे क्लीनेस्ट सिटी इंदौर की। साल 2015 में जो शहर 149वीं पोजीशन पर था, वह अब नंबर वन कैसे बना, वो भी एक या दो बार नहीं लगातार पांच बार। 2017 से आज तक इंदौर नंबर वन ही है। तो जानेंगे इंदौर के उस सीक्रेट के बारे में जिससे वह नंबर वन शहर बन पाया, और इतना ही नहीं, इस कचरे से हर साल 100 करोड़ का प्रॉफिट भी उसने निकाला। तो ये सब कैसे पॉसिबल हुआ, आइए जानते हैं। दोस्तों, इंदौर के नंबर वन होने के पीछे कोई आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि ये बहुत सारी मेहनत, समर्पण और विल पावर है जिससे यह नंबर वन हो पाया। आइए इंदौर के शुरुआती सफ़र को देखते हैं। दोस्तों, इंदौर के कलेक्टर 2015 में मनीष सिंह हुआ करते थे। 2015 में जब उन्होंने इंदौर को स्वच्छ बनाने का सोचा तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था। रैंकिंग की बात तो दूर थी, पहला चैलेंज था कि कचरे को कलेक्ट कैसे किया जाए और इसका निस्तारण कैसे हो। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले शहर के बीचों बीच लगे बड़े बड़े कूड़ेदानों को हटवाया और डोर टू डोर कचरा कलेक्ट करने का प्लान बनाया। इसके लिए 600 गाड़ियां खरीदी गईं। हर एक गाड़ी पर एक GPS ट्रैकर लगाया गया, जिससे चेक किया जाता था कि गाड़ी घरों तक प्रॉपर पहुँच रही है या नहीं। जो गाड़ी ख़राब हो जाया करती थी तो तुरंत दूसरी गाड़ी घरों पर भेज दी जाती थी, ताकि कोई भी दिन कचरा कलेक्शन रुक ना जाए। अब दूसरा चैलेंज था, घरों से कचरा कलेक्ट करें कैसे। इसके लिए हर घर के सिटीजन्स को 3-3 डस्टबिन रखने को कहा गया, एक में गीला कचरा, एक में सूखा कचरा और एक में फूड वेस्टेज रखने को कहा गया। और जो सिटीजन ऐसा नहीं करते थे, उन पर जुर्माना लगाया जाने लगा या फिर उन्हें समझाने के लिए नगर निगम घर पर आने लगा। साल 2016 में इस शहर के पूरे 85 वार्डों में कचरा उठाने जाने लगा। शुरू में लोग गीला और सूखा कचरा मिलाकर रखने लगे थे, लेकिन बहुत रिक्वेस्ट के बाद उन्होंने इसे अलग किया। अब इस कचरे को क्लासिफिकेशन करने के लिए कमांड सेंटर बनाए गए। इन कमांड सेंटरों में इस कूड़े कचरे को अलग करने के लिए कुछ प्लांट्स बनाए गए। यहाँ घरों से आने वाले कचरे को 3 हिस्सों में बांटा गया, फूड वेस्टेज, सूखा कचरा और गीला कचरा। गीले कचरे और फूड वेस्टेज से खाद बनाई जाने लगी और इसे किसानों को बेचा जाने लगा, और सूखे कचरे से जो प्लास्टिक थी उसे अलग निकाला गया और उसे MP रोड डेवलपमेंट को बेचा जाने लगा। इसे प्लास्टिक से सड़कें बनाने जाने लगी। बाकी सूखा कचरा रिसाइकिल करने के लिए भेज दिया जाता था। दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। इंदौर में मार्केट की दुकानों से फूड वेस्टेज कलेक्ट करने के लिए एक NGO ने स्वाहा फाउंडेशन बनाया है। इस स्वाहा फाउंडेशन की मोबाइल कंपोस्टिंग यूनिट रात में फूड वेस्टेज कलेक्ट करती है और इसी से ऑर्गेनिक खाद बनाई जाती है। ये मशीन साल 2019 से पर डे 8-10 टन कंपोस्ट वेस्ट कलेक्ट कर रही है। दोस्तों, इंदौर में लोग जब हार थककर घरों में सो चुके होते हैं, तब इंदौर नगर निगम अपनी होप क्लीनिंग मशीन्स का यूज़ करके रात में 450 किलोमीटर सड़कें पर डे धुलता है। इन मशीनों को GPS से ट्रैक किया जाता है और इसमें सड़क धुलने के लिए जो पानी यूज़ किया जाता है, वो सीवेज से फिल्टर किया हुआ पानी होता है। रात में सफाई को इसलिए भी चुना गया है क्योंकि ट्रैफिक नहीं होता है, धूल नहीं उड़ती है। और सबसे मेन रीज़न है, सुबह जब इंदौर वाले उठकर रोड पर निकलते हैं तो उन्हें शहर चकाचक दिखता है। साल 2019 की टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट बताती है कि इंदौर के इस क्लीन मॉडल को फॉलो करने के लिए दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहर के भी एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ बार बार चक्कर लगाना पड़ रहा है। इसी से इंदौर की सक्सेस दिख जाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं घरों से निकला वेस्टेज पानी, उसे कैसे IMC ने यूजेबल बनाया। दोस्तों, IMC मीन्स इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। इसने घरों से निकले पानी और सीवेज से निकले पानी को फिल्टर करना शुरू किया और फिर इस सीवेज के पानी से 12% पानी नगर निगम के बने हुए गार्डन्स में देना शुरू किया और बाकी के पानी से रोज़ सड़कें धुली जाने लगी। इसके साथ ही इंदौर की 16,000 बिल्डिंग में रेन वाटर हार्वेस्टिंग लगाया गया। दोस्तों, अब दूसरी ओर नज़र डालते हैं। इंदौर की चोइथराम मंडी, जो फ्रूट्स के बड़े मार्केट के लिए फेमस है, यहाँ हर दिन कई टनों में फ्रूट्स सड़क पर सड़े गले पड़े रहते थे। इन्हें कलेक्ट किया गया और बायोमेथेनाइजेशन प्लांट में भेजा जाने लगा। इससे बायो CNG बनने लगी और इस CNG गैस का यूज़ सरकारी बसों को चलाने में किया जा रहा है। बाकी की गैस से एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा रही है। साथ ही इंदौर में सिंगल यूज प्लास्टिक को टोटली बैन किया गया है और झोला बैंक बनाए गए हैं, जहां आप पुराने कपड़े देकर झोला ले सकते हैं।
दोस्तों अब जानते हैं इंदौर के सफाई मित्र और दीदी बाकी सिटीज से कैसे अलग है। दोस्तों इंदौर के सफाई मित्र फुली डेडिकेटेड होकर काम करते हैं। यहाँ 8,500 कर्मी लगे हुए हैं और इतना ही नहीं वो दिन की बजाय रात में भी काम करते हैं। इनके लिए इंदौर नगर निगम इंश्योरेंस प्रॉफिट फंड अट्रैक्टिव सैलरी प्रोवाइड कराता है। इनके लिए ड्रेस ग्लव्स भी दिए जाते हैं और GPS ट्रैकिंग और स्मार्टफोन से इंदौर एप्लीकेशन का यूज़ करना भी बताया गया है। अब आते हैं इंदौर के घरों में। फ्रेंड्स इंदौर के 35,000 घर ऐसे सिलेक्ट किए गए हैं जहाँ गीले कचरे से खाद बनाई जाती है। ये खाद बनाना इनको सिखाया गया है और इस खाद को इंदौर वाले बेचते भी हैं और पैसा भी कमाते हैं। है ना कचरा से कंचन टेक्निक। दोस्तों इंदौर की नीट एंड क्लीन सिटी बनने की यह कहानी जितनी मोटिवेटेड है उतनी ही प्राउड मूवमेंट वाली भी है। फ्रेंड्स जापानी लोग यहाँ आए दिन इंदौर में इन बायो प्लांट्स को नीट एंड क्लीन मॉडल को फॉलो कर रहे हैं। जापान के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंट स्टडीज की मीटिंग में चोइत्रा मंडी के बेस्ट कलेक्शन से CNG बनाने की चर्चा की गई, जिसके बाद कई जापानी एडमिनिस्ट्रेटिव इंडिया सिर्फ इंदौर देखने के लिए आए। अब इतनी मेहनत अगर कोई शेयर करेगा तो साफ तो होगा ही ना। दोस्तों इन सब के पीछे इंदौर के लोगों का सपोर्टिव बिहेवियर एंड IMC का बेटर मैनेजमेंट है, जिससे इंदौर लगातार फर्स्ट आ रहा है। उम्मीद है आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी टॉपिक पर डॉक्यूमेंट्री या डिटेल्स लेकर आएँ तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएँ। धन्यवाद।